बिहार की महाराजगंज लोकसभा सीट, जी हां, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बाद अब लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के अभी बेटे की बगावत से परेशान थे कि अब उनकी परेशानी और बढ़ गई है। लालू के साले साधु यादव महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के उम्मीदवार होंगे। महाराजगंज से साधु यादव का मुकाबला पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे और महाराजगंज के प्रत्याशी रणधीर कुमार सिंह से होगा। एनडीए ने इसी सीट से बीजेपी नेता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को मैदान में उतारा है। वहीं महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह एमएलए अशोक सिंह की हत्या के मामले में हजारीबाग जेल में बंद है। इससे पहले ही 5 मार्च को ही बीएसपी के बिहार प्रभारी लालजी मेधंकर ने कहा था कि साधु यादव उनकी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने तब कहा था कि 1-2 दिनों में सीट की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि इसके बाद साधु यादव पार्टी में शामिल होंगे। बताते चलें कि बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग होनी है, जिसका पहला चरण 11 अप्रैल को हो चुका है। अब राज्य में 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई को वोटिंग होगी और 23 मई को वोटों की गिनती होगी। लेकिन इस बीच साधु यादव ने लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि साधु यादव बिहार की महाराजगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, बिहार में बीएसपी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर उनका चुनाव लड़ने की खबरें मीडिया में आ रही हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव, जो कि पहले से ही परेशान चल रहे हैं बेटे तेज प्रताप यादव की बगावत से, बीच में खबरें ऐसी भी आई कि तेज प्रताप यादव नहीं मान रहे तो लालू यादव ने फोन पर बातचीत करना भी बंद कर दिया है। आपको बता दें कि सारण सीट से चंद्रिका प्रसाद राय को उम्मीदवार बनाया गया है, जिसे तेज प्रताप यादव गुस्सा है और अब साधु यादव महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे। द गरम पोस्ट की रिपोर्ट।